हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार शाम 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें खेद है कि महामारी के चलते दो साल से मेला आयोजित नहीं हो सका, लेकिन इस बार पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मेला आयोजित होना चाहिए और उन्हीं की मेहनत से मेला आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने हस्तशिल्पियों की कला और मेहनत तथा लगन की तारीफ की, जिसके बलबूते शिल्पी नायाब कलाकृतियां बनाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के चलते इस मेले का और भी महत्व बढ़ जाता है। इस मेले के लिए जहाँ हस्तशिल्पियों को इंतजार रहता है, वहीं मेला दर्शक भी इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। वहीं अपने संबोधन में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सूरजकुंड का मेला देश विदेश के हस्तशिल्पकारों और कलाकारों को बड़ा मंच प्रदान करता है, जहां वो सिर्फ अपने उत्पाद प्रदर्शित ही नहीं करते बल्कि उन्हें बेचने का भी मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि इस मेले में देश विदेश के लाखों लोग आते हैं और ये मेला कला का अनूठा संगम है। हृदय से आभारी हूं, मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं कि हमारे जो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए इन्होंने अपना समय दिया है, और खास करके हमारा जो पर्यटन विभाग है और केंद्रीय पर्यटन वस्त्र संस्कृति विदेश मामलों का मंत्रालय, उनका जो संयुक्त प्रयास जिससे ये मेला सफल होता है, उनकी भी मैं सराहना करता हूँ। हस्तशिल्प ये वास्तव में एक कला है, इस कलाकार को बता दें। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और कंवर पाल गुर्जर के अलावा विधायकगण भी मौजूद रहे। वहीं जम्मू एंड कश्मीर और उज्बेकिस्तान देश के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मेले की चौपाल पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उज्बेकिस्तान के कलाकारों ने भव्य प्रस्तुति दी और दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों का मन मोह लिया। वहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया और देश विदेश के हस्तशिल्पियों और कलाकारों की जमकर सराहना की।